नमस्कार मित्रों, मैं हूं योग सेवक शिष्पा। आज आपसे मैं बात करूंगा शरीर बल के ऊपर कि शरीर बल की कैसे उपासना की जाए और शरीर बल की शक्ति से इस धरती पर हम स्वर्ग को कैसे स्थापित कर सकते हैं। मित्रों, ये शरीर का बल सबसे बड़ा बल है, पर मैंने देखा है ज्यादातर लोग, ज्यादातर नहीं 99% लोग अपने शरीर को इग्नोर करते, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, इसको बलवान बनाने के लिए सोचते नहीं हैं, समय नहीं देते, अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते, इसीलिए व्यक्ति कमजोर है। शरीर ज्यादातर लोगों को आप देखते होगे कमजोर शरीर, कमजोरी से ऊपर उठकर स्वस्थ शरीर बना लेते हैं कुछ लोग, मगर इसकी उच्च स्थिति है बलवान शरीर। मित्रों, बलवान शरीर, बल, पावर, ये दुनिया पावर से चलती है, और जिसके पास पावर है वो दुनिया को चलाता है, और जिसके पास पावर नहीं है वो पुअर है। मित्रों, ये पावर का बहुत बड़ा विज्ञान है, और इंसान चाहे तो अपने अंदर अपार शक्ति को प्राप्त कर सकता है, जितना चाहे अपने अंदर बल प्राप्त कर सकता है। भगवान हनुमान के पास जितना बल था, इतना बल हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, मगर क्या कारण है कि उसके पास बल नहीं है? पहला सबसे बड़ा कारण है कि वो सोचता नहीं। इंसान जो सोचेगा नहीं वो उसे मिलेगा नहीं, आपको सोचना पड़ेगा, सोचने के बाद उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर उसे अमल में लाना पड़ेगा, उसे समय देना पड़ेगा, उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, तो रिजल्ट मिलेगा 100%। ऐसी कोई चीज़ नहीं दुनिया में कि आप चाहो और ना पाओ। भगवान ने ऐसी सृष्टि, ऐसा ये ब्रह्मांड बनाया है, और उसमें से इस मानव को राजा बनाया है कि वो जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो पा सकता है। मित्रों, यूं तो शरीर बल की मैं आज बात करने आया हूं, मगर मुख्यतः 6 बल होते हैं। शरीर बल, मनोबल, मनोबल के अंदर ही बुद्धि बल आ जाता है, धन बल, संगठन बल, राजनीतिक बल, आत्मबल, मगर आज हम बात करेंगे शरीर बल के ऊपर। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास शरीर बल हो, मगर चाहने के बाद भी वो कमजोर है, वो बीमार है, वो निराश है। मित्रों, कमजोरी का नाम गरीबी है, कमजोरी का नाम बीमारी है, कमजोरी का नाम असफलता है। इन सब से हमें मुक्त होना है, हमें धन से भी अमीर बनना है, शरीर से भी अमीर बनना है। बहुत से लोगों के पास धन तो है मगर वो तन से गरीब है, तो तन से कैसे अमीर बना जाए? मित्रों, बिल्कुल आसान रास्ता है, बिल्कुल सिंपल है। मैंने जैसे कहा, पहला आप सोचिए, सोचिए कि मुझे 100 साल तक दौड़ते हुए जीना है, मुझे 100 साल तक हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के साथ जीना है। तो सबसे पहले हेल्थ, तो उसके लिए क्या करें आप? उसके लिए सिर्फ 3 बातों के ऊपर ध्यान दें, सिर्फ 3 बातों के ऊपर। पहला, अपनी दिनचर्या ठीक करें, दिनचर्या, समय पर सोएं, समय पर उठें, समय पर खाएं, समय पर सारे काम करें। तो अपने लिए समय निकालें, अपने को बलवान बनाने के लिए। आप कमज़ोर हैं तो कमज़ोर से आप स्वस्थ बनेंगे, और फिर स्वस्थ से आप बलवान की तरफ जाएंगे। 3 चीज़ों के ऊपर दिनचर्या को ठीक करें, अपने आहार को ठीक करें, क्या खाना क्या नहीं खाना, इसका आपको पता है, पता होने के बावजूद भी आप जो नहीं खाना वो खाते हैं। फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर नहीं खाना चाहिए, वो आपको कमज़ोर करता है। पान, गुटखा, मसाला, बीड़ी, सिगरेट, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, वो आपको अंदर से कमज़ोर बनाता है, आपको लीवर, किडनी, आपके आंतों को, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को कमज़ोर बनाता है। आप स्वयं ही अपने शरीर को कमज़ोर बनाते हैं, और कोई आपको कमज़ोर नहीं बनाता। मैं कई बार सोचता हूँ कि इंसान इतनी नादानी क्यों करता है, इतना समझदार बुद्धिमान होते हुए भी, कि उसके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है, बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़ा हुआ है,
तो भी दिनचर्या ठीक नहीं है, आहार ठीक नहीं है, फास्ट फूड पिज्जा बर्गर खाएगा उसे पता है ये नुकसान करेगा, स्वीट और सॉल्ट का ज़्यादा उपयोग करेगा उसे पता है ये नुकसान करेगा, उसे पता है सुबह जल्दी उठूं तो मेरे लिए हितकारी है मगर वो देर से उठेगा, उसे पता है रात को नहीं खाना चाहिए मगर वो रात को खाता है। मित्रों बस थोड़ा सा आपको जागरूक होने की जरूरत है, आपके अंदर समझ तो है, आप जानते तो हैं, थोड़ा सा जागरूक हो जाइए स्वास्थ्य के प्रति कि मुझे बलवान बनना है। बस दिनचर्या ठीक कीजिए, आहार ठीक कीजिए और व्यायाम कीजिए, सुबह उठकर व्यायाम कीजिए। जैसे आपको धनवान बनना हो ना तो धन लगाओ तो आप धनवान बन जाते हो, आपको व्यापार को बढ़ाना हो तो आप इन्वेस्टमेंट करता जाइए, आप बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, बहुत बड़ा व्यापार करना चाहते हैं तो आपको धन लगाना पड़ेगा। इसी तरह आपको बलवान बनना हो तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बल लगाना पड़ेगा, आपको शरीर को अंदर और बाहर से मजबूत बनाना पड़ेगा। एक तो आपको व्यायाम करना पड़ेगा और दूसरा आपको प्राणायाम करना पड़ेगा। अगर आप व्यायाम करेंगे तो आपका हार्डवेयर मजबूत होगा, बाहर से मजबूत होगा, यहाँ हड्डियाँ मजबूत होंगी, ये मांसपेशियाँ मजबूत होगी। और अगर आप प्राणायाम करोगे और ध्यान करोगे तो फिर आप अंदर से मजबूत बनोगे, आपका सॉफ्टवेयर मजबूत बनेगा, आपके लंग्स मजबूत बनेंगे, आपके लीवर मजबूत बनेगा, आपकी किडनी मजबूत बनेगी, आपकी आंतें मजबूत बनेगा। तो शरीर को अंदर और बाहर से मजबूत बनाना पड़ेगा तो ही आपके अंदर पावर आएगी, और जिसके पास पावर है वही दुनिया को चलाता है मित्रों, और जो कमजोर है ना वो स्वयं भी दुखी और दूसरे को भी दुख देता है। कमजोर शरीर है ना वही दुखों का कारण है, जिसका शरीर कमजोर है उसके अंदर धैर्य भी कम है, जिसका शरीर कमजोर है उसके अंदर सहन शक्ति भी नहीं होती, जो स्वयं कमजोर है वो दूसरे को क्षमा भी नहीं कर सकता। कमजोरी का नाम ही बीमारी है, कमजोरी का नाम ही असफलता है। तो मित्रों बलवान बने, आहार में क्या लें, आहार में सबसे बेस्ट है कि सुबह वेजिटेबल जूस लें, अंकुरित अन्न खाएं, फ्रूट जूस लें, समय पर खाना खाएं, और मात्र गेहूं खाओगे तो आप बलवान नहीं बन पाओगे। तो गेहूं के साथ आप मिक्स अनाज का ज्यादा उपयोग करें, मिक्स अनाज का, और बाहर में दूसरे कोई पाउडर डिब्बा बंद चीजें खाने की जरूरत नहीं है आपको। सुबह थोड़ा जल्दी उठिए, सूर्य नारायण के सामने बैठिए, सूर्य देवता से एनर्जी प्राप्त कीजिए और सूर्य नमस्कार कीजिए। मित्रों अगर बलवान बनने का कोई एक उपाय कोई है तो मेरी दृष्टि में है वो सूर्य नमस्कार। व्यायाम करने में, बल की उपासना करने के, शरीर को बलशाली बनाने के लिए सूर्य नमस्कार सबसे बेस्ट है। आप अपने घर में कर सकते हो, आप अपने घर की छत पे बाहर निकलकर या कहीं बाहर गार्डन में जाके रोज आप सूर्य नमस्कार कीजिए, 10 सूर्य नमस्कार की शुरुआत कीजिए और एक एक रोज बढ़ाइए और 100 सूर्य नमस्कार तक जाइए। आप 100 सूर्य नमस्कार कर लेंगे ना तो ये आपकी भुजाएं मजबूत हो जाएंगी, आप 100 सूर्य नमस्कार कर लेंगे तो ये छाती बाहर आ जाएगी, 100 सूर्य नमस्कार कर लेंगे तो जंघें मजबूत हो जाएंगी, तो ये 100 सूर्य नमस्कार कर लेंगे तो आपके सिक्स पैक हो जाएंगे। तो सूर्य नमस्कार कीजिए मित्रों, ये बहुत एक्सरसाइज है, बहुत बेस्ट है। भगवान परशुराम रोज 3000 सूर्य नमस्कार करते थे। 100 सूर्य नमस्कार हर व्यक्ति कर सकता है, पर पहले दिन 100 सूर्य नमस्कार नहीं करना, शुरुआत 10 से करनी है और एक एक को धीरे धीरे बढ़ाना। मित्रों बहुत से लोग सोचते हैं मैं तो बहुत कमजोर हूं क्या मैं 100 सूर्य नमस्कार कर सकता हूं। हाँ मित्रों आप कर सकते हो, आप शरीर से जितना ज्यादा काम लोगे ना, मांसपेशियों से जितना ज्यादा काम लोगे, मांसपेशियां उतनी मजबूत बनेंगी, उतना आपका शरीर बल बढ़ेगा, जितना आप बल लगाओगे, जितना आप व्यायाम करोगे उतना आपका धीरे धीरे बल बढ़ता जाएगा। मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि शीशपाल जी आप जो कह रहे हैं आपकी बात सही है, एक व्यक्ति था हरियाणा का, बोला उसका एक उदाहरण है कि उसने अपने बल की परीक्षा की कि किसान व्यक्ति था, उसके घर में भैंस थी, भैंस ने बच्चा दिया, तो भैंस का बच्चा मेरे ख्याल पहले दिन 25-30 किलो का होता होगा, तो वो उसे रोज उठाता था पहले दिन से लेकर उसे रोज उठाता था, वो 3-4 साल तक उसे रोज उठाता रहा। जब वो भैंस 300-400 किलो की हो गई तो भी वो उसे उठा लेता था। हाँ मित्रों ये सच है, ऐसा
ये कहानी सुनने में हमें अटपटी लगती होगी, मगर ये सत्य है। आप भी इसे अजमा सकते हैं। आप भी रोज 100 सूर्य नमस्कार कीजिए तो आपको लगेगा कि मेरे अंदर तो अपार बल है। तो मित्रों, अगर आप जीवन में सफलता को पाना चाहते हैं, आप अपने व्यापार बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, आप समाज की सेवा करना चाहते हैं, आप ध्यान कर भगवान को पाना चाहते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। ये शरीर एक साधन है। अगर आप कोई भी साधना करना चाहते हो तो ये साधन आपका ठीक होना चाहिए। हमारे बॉडी का सेप ठीक होना चाहिए, हमारा पेट अंदर होना चाहिए, छाती बाहर होनी चाहिए, भुजाएं मजबूत होनी चाहिए, जंघाएं मजबूत होनी चाहिए, कमर में दर्द नहीं होना चाहिए, घुटनों में दर्द नहीं होना चाहिए। अगर आप व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो आप 100% स्वस्थ रहेंगे। मित्रों आओ, इस जीवन का पूरा आनंद पाओ। ये इंसान का शरीर, मानव शरीर भगवान की अनमोल भेंट है। ये अनमोल शरीर ईश्वर ने दिया है। इसे हम कमजोर ना करें, इसे हमें बीमार ना होने दें। इस शरीर के माध्यम से हम इस धरती के सारे ऐश्वर्यों को प्राप्त कर सकते हैं और हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस को पाकर इस जीवन का पूरा आनंद ले सकते हैं। तो आओ आज हम सब मिलकर संकल्प लें कि मुझे स्वस्थ जीना है, मुझे बीमार नहीं होना है, मुझे कमजोर नहीं होना है। मित्रों, एक एक व्यक्ति अगर बलवान बनेगा तो ये देश बलवान बनेगा। ये राष्ट्र की सेवा भी है, ये देश की सेवा भी है अपने आप को बलवान बनाना। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी फिट इंडिया की बात करते हैं। उन्हें पता है कि देश को बलवान बनाना हो, देश को विश्वगुरु बनाना हो, तो एक एक व्यक्ति को फिट बनाना पड़ेगा। तो संकल्प लें, स्वयं फिट बने, अपने पूरे परिवार को फिट बनाए और पूरे समाज और पूरे राष्ट्र को बलवान बनाए और पूरे जीवन का आनंद पाए। मित्रों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे सुने, अपने मित्रों को सुनाए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और मैंने कहा कि बलवान बनाने के लिए कैसे प्राणायाम करना है, कैसे सूर्य नमस्कार करना है, कैसे दंड बैठक लगानी है, वो आप मेरी वीडियो देखते रहिए, आपको ये सब चीज़ें जानने को मिलेगी। नमस्ते, धन्यवाद, ओम।